अगर आपको 1 लाख 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं किसी बैंक से पर्सनल लोन लेना, तो आपके लिए HDFC बैंक बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि HDFC बैंक में आपको इजीली लोन मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कम रहता है और कुछ बेसिक सी जो डॉक्यूमेंट है उसी पे आपको लोन दे देते हैं। लेकिन आपका जो सिबिल है वो ठीक रहना चाहिए, तभी आपको कोई भी बैंक लोन दे देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को HDFC बैंक से लोन लेने का प्रोसेस इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपको भी पर्सनल लोन चाहिए HDFC बैंक से, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा सकते हैं। आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर और आपको अपने फ़ोन में एक ऐप सर्च कर देना है, HDFC लोन ऐप। इसे आप चाहे तो ब्राउज़र पर भी कर सकते हैं, बट मैं इस वीडियो में ऐप के माध्यम से बता रहा हूँ। तो HDFC लोन असिस्टेंट जो है इस ऐप का नाम है, तो यहाँ पर देख लो लोन असिस्टेंट लिख के आ चुका है नीचे में। यहाँ पर कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट है HDFC बैंक में, तो आप डायरेक्ट बैंक यूज़र लॉगिन पर भी क्लिक करके अपना जो है अकाउंट को यहां से लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आप बैंक यूज़र है तो बहुत अच्छा बात है, आपको लोन यहां पे बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप नहीं है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कोड एंटर कर देते हैं। कोड एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेजेस आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे आपका जो है एक पिन बोला का सेट करने के लिए, तो आप इस पिन को जो है सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो है कंफर्म पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे आपसे जो है आपका बोला जाएगा पासवर्ड वगैरह सेव करने, तो आप इसे जो है सेव कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जिनमें से सबसे फर्स्ट में आपको दिखेगा पर्सनल फिनांस का, उसके बाद जो है बिजनेस फिनांस का, उसके बाद जो है यहाँ पे माय ऑफर्स का, देन उसके बाद लोन को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद जो है और ऐप है, उसके बाद स्मार्ट टेक है। तो यहाँ पर हमें जो है पर्सनल फिनांस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो पर्सनल लोन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन के साथ और भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि होम लोन भी ले सकते हैं, कार लोन भी ले सकते हैं, और यहाँ पे टू व्हीलर भी लोन ले सकते हैं। उसके बाद गोल्ड लोन भी है और भी एजुकेशन लोन भी है। तो यहाँ पे हमें चाहिए पर्सनल लोन, तो मैंने पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेजेस पर लेके चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सैलरीड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे आपका जो है एम्प्लॉयर नेम जो है बोला जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, कि आप कहाँ पे जॉब करते हो वगैरह। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फिनांस सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद जो है बैंकिंग एजुकेशन, उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री है आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मंथली इनकम क्या है वो आप सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहां से 35,000 डाल दिया। उसके बाद यहां पे आप कितना ईएमआई मतलब कितना पैसा पे करते हैं, तो यहां पे आप 0 ही डालें तो अच्छा है। उसके बाद यहां पर जो है आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एन HDFC बैंक सैलरीड अकाउंट, तो आपके पास है या नहीं है, तो आप ये टिक कर सकते हैं। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेजेस पे कुछ इस तरीके से लेके आते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको कितने पैसे का जो है रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम यहाँ से आप 50,000 तक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम आप यहाँ पे 4.5 लाख मतलब 4,55,000 तक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 1 लाख रुपये के समथिंग, ठीक ना, जैसे कि मैंने 1 लाख रुपये रखा, और इसका जो हम टर्नओवर रखते हैं यहाँ पे 24 मंथ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे 12.25 का है, और मंथली जो हमारा ईएमआई बनेगा वो इतना रहेगा, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह जो है ये यहाँ पे इतना लगने वाला है। अगर आप इसे 36 मंथ करते हो तो यहाँ पर आप और भी इसे
कम ज़्यादा कर सकती हो। अगर आप 36 मंथ रखते हो यहाँ पे, तो आपका जो ईएमआई है यहाँ पे सिर्फ इतना लगेगा। ओके, तो अगर हम अप्लाई पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है आपका केवाईसी मांगा जाएगा। तो केवाईसी के लिए आपको अपना आधार पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे जो है आप इसमें टिक करोगे और यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। तो जो भी लैंग्वेज आप जानते हो वो आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पर एग्री करोगे, उसके बाद यहाँ पर एग्री प्रोसीड करोगे, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालने के बाद गेट आधार ईकेवाईसी ओटीपी पर क्लिक करोगे, फिर आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आता है, जैसे कि देख लो मेरा आ चुका है 187, उसके बाद 077, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दोगे, फिर यहाँ पे आपका जो ईकेवाईसी है वो कंप्लीट होने लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद आपसे आपका जो पर्सनल जानकारी है वो यहाँ पर भरना होता है, उसके बाद आपका जो कुछ और बैंक का जानकारी है, जो आपका पर्सनल जानकारी है उसी में से कुछ कुछ जानकारी भरवाया जाता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे हमें कुछ जानकारी भरना है, जैसे कि नेम हमारा आ गया, बर्थडे आ गया, यहाँ पे जेंडर आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमें अपना स्टेट को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने बिहार सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो तो यहाँ पे आपसे आपका जो बेसिक सी जानकारी है बस वही मांगा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको जो है पूछा जाता है कि क्या आप इसी एड्रेस पे रहते हो, तो हाँ हमारा यही है, इसमें टिक करके कंटिन्यू वाले बटन पर आप टैप कर दोगे। फिर यहाँ पे आपसे आपका जो पर्सनल जानकारी है वो पूछा जाता है, जिसमें जो है आपका मोबाइल नंबर आ गया, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका पैन नंबर पूछा जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आपसे अपना पर्सनल कुछ क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, आप क्या करते हो नहीं करते हो, मैरिड स्टेटस मांगा जाता है जिसमें आप बताते हो मैरिड हो या अनमैरिड हो या जो भी हो, उसके बाद यहाँ पे आपसे रेजिडेंट पूछा जाता है आप क्या हो, एससी एसटी या ओबीसी जो भी हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और नीचे में यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर फिर क्लिक कर दोगे। तो ये जो है हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है, उसके बाद हमसे हमारा यहाँ पे जो है वर्क के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको अपने से भरना होता है, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर टैप कर देना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से दिखाया जाता है कि यहाँ पे आपका पर्पज़ क्या है, तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस का नेम आप जो भी डालना चाहो आप वो नेम यहाँ पे डाले, जैसे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होता है, उसके बाद नीचे में कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो पर्सनल लोन का प्रोफाइल है वो दिखने लगता है जो अभी आपने क्रिएट करा है, यहाँ पे आपको ये दिखाते हैं आपने कब इस प्रोफाइल को क्रिएट करा है, उसके बाद आप कितने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितना जो आप कितने मंथ का जो है ईएमआई रखना चाहते हैं, साथ में ये दिखाते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है, यहाँ पर ईएमआई कितना आने वाला है, उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह क्या है। तो आप इसे एक बार से ज़रूर से चेकआउट करें, उसके बाद यहाँ पर अगर आपको लोन चाहिए तो आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद लोन असिस्टेंट जो है आपको 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पे कॉल करेंगे और वो आपको बताएंगे आपको यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर शेयर करना है। तो आपसे आपका जो है कुछ बेसिक सा जो डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप पे शेयर करवाते हैं, फिर चेक करते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो फाइनली वो जो है HDFC वाले जो है लोन अप्रूव कर देते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं रहते हो तो उसका कारण नहीं बताते हैं, बस वो जो है डिक्लाइन कर देते हैं। अगर डिक्लाइन कर देते हैं तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपका सिविल ख़राब है या फिर कोई अन्य रीज़न है जो आपको वो बताते नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिलना या ना मिलना ये आपके ऊपर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई और सवाल सुझाव है तो आप मुझे नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाएं। थैंक्स वॉचिंग।